इंटर्नशिप में क्या है, इंटर्नशिप में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी भी तुम देख रहे होगे तुम्हारा बैच है, अगर 90 या 100 बच्चों का बैच है तो उसमें से 10 से 15 बच्चे ही, एंड उसमें मैं ऐसी लिस्ट देने वाला हूँ यार ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की कि उसके अलावा कुछ और पूछा ही नहीं जा सकता उन टॉपिक्स में। आई वुड बी हैप्पी टू गिव योर एग्जांपल कि भैया ये बंदा था, इसने स्टार्ट किया था चैलेंज और ये आज माइक्रोसॉफ्ट में बैठा है, इसमें पार्ट ले रहे होंगे, उनके लिए यार रेफरल अपॉर्चुनिटीज आई विल प्रोवाइड फ्रॉम माय एंड। हाय एवरीवन, दिस इज अर्शकुल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हम क्रैक योर इंटर्नशिप चैलेंज की। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग वीडियो। इसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारी आने वाली इंटर्नशिप सीजन के बारे में, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे यार, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, कब कब हायरिंग होती है, क्या हायरिंग होती है, उसके लिए तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, इस चैलेंज में कैसे पार्ट लेना है, ये चैलेंज तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता है, एंड इस चैलेंज के थ्रू तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करो कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर। सबसे पहली चीज की वाई इज एन इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप क्यों, मतलब मैं कह रहा हूं कि दिस इज द इजिएस्ट वे टू गेट इनटू एनी ऑफ दीज कंपनी। सबसे पहली चीज, इंटर्नशिप के टेस्ट आर रिलेटिवली इजियर देन फुल टाइम, इसके इंटर्नशिप के इंटरव्यू राउंड्स कम होते हैं, मतलब एक किसी कंपनी के दो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं एट मैक्स। उसके बाद इंटर्नशिप के टाइम पे तुम्हारा कंपटीशन बहुत कम होता है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होती कि यार ये चीज़ भी पढ़नी है, ये चीज़ भी पढ़नी है। तुम्हारे 100 के बैच में से हार्डली 15-20 बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ रहे होंगे। टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में तो ये कंडीशन इससे भी खराब है, मे बी शायद तुम अकेले ही हो जो पढ़ रहे हो, अगर तुम मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो। तो अगर तुम्हारी किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लग जाती है, किसी ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप लग जाती है जहां से तुम PPO एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर उसके बाद तुम्हारा थर्ड ईयर फाइनल ईयर पूरा सॉर्ट होने वाला है। तो ये इंटर्नशिप वाला फेज इज द इजिएस्ट वे टू गेट इनटू एनी ऑफ दीज कंपनीज, तो इंटर्नशिप इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यार तुम्हें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं इस इंटर्नशिप में। तो तुम पूछ रहे होगे कि भैया इंटर्नशिप सीजन कब स्टार्ट होता है, मुझे कब से पढ़ना चाहिए। तो यार इंटर्नशिप सीजन मोस्टली ना जुलाई या अगस्त से स्टार्ट होता है। इन कुछ कॉलेजेस में कंपनीज जाती हैं स्लॉट्स लेने के लिए, तो जुलाई में ऑन कैंपस मोस्ट कॉलेजेस में स्टार्ट हो जाता है, मोस्ट बड़े बड़े कॉलेजेस में, टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में, मतलब जिनमें भी कंपनीज ऑन कैंपस थर्ड ईयर के बच्चे इंटर्नशिप के लिए लेने आती हैं, तो उनमें हायरिंग स्टार्ट हो जाती है फॉर इंटर्न्स। एंड ऑफ कैंपस की अगर हम बात करें तो तुम अगस्त सितंबर से तुम बहुत सारे डिफरेंट ऑफ कैंपस चैलेंजेस देखने लग जाओ। बहुत सारी कंपनीज जैसे गोल्डमैन सैक्स, उबर, मिंत्रा, अमेरिकन एक्सप्रेस, बहुत सारी कंपनीज के चैलेंजेस तुम्हें दिखने लग जाएंगे यार फॉर इंटर्नशिप। एंड तो यार इंटर्नशिप के लिए अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करनी है, इंटर्नशिप के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। मैं कह रहा हूँ ये 3 महीने अगर तुमने तपस्या कर ली ना, इसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड। अब कहोगे कि हाउ टू प्रिपेयर, तो हाउ टू प्रिपेयर के लिए यार सबको पता है अब तो कि क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की नॉलेज चाहिए। आई वुड से 70-80% नॉलेज तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर्स की ही काम आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं हो सकता, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी इतने ज्यादा अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो। तो इसलिए मेजर हायरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं तो मतलब यू आर इन। उसके बाद सीएस फंडामेंटल, सीएस फंडामेंटल्स में भी अगर फोर्थ सेमेस्टर तक तुमने कुछ सीएस फंडामेंटल के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, तो वो सब्जेक्ट्स को तुम अपने रिज्यूमे में लिखो एंड उनमें तुम अच्छे होने चाहिए, तो दैट इज समथिंग दैट कैन बी आस्क। उसके बाद थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार इसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स है, एंड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यार वो डेटा स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट हम अपना कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे उस डेटा स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट में हम इतना प्रोफिशिएंट हो सकते हैं कि यार हम किसी भी कंपनी के ऑनलाइन असेसमेंट में बैठे तो हम क्वेश्चंस कर पाए, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे तो एटलीस्ट वी शुड टेल द अप्रोच कि यार कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड वी कैन गेट टू आवर ड्रीम इंटर्नशिप। तो यार ये सारी चीजें बहुत टाइम से आ रही थी कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए, इंटर्नशिप के लिए क्या करना होता है, इंटर्नशिप कैसे मिलती है, इंटर्नशिप के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, कहां से प्रिपेयर करूं, क्या रिसोर्सेज हैं। ये सारी डिस्कशंस को खत्म करते हुए वी आर स्टार्टिंग अप विद दिस चैलेंज दैट इज नोन एज क्रैक योर इंटर्नशिप चैलेंज। तो ये क्रैक योर इंटर्नशिप चैलेंज क्या होने वाला है, तो ये क्रैक योर इंटर्नशिप चैलेंज क्या होने वाला है, इस क्रैक योर इंटर्नशिप चैलेंज में हम क्या कर रहे होंगे, हम सबसे पहली चीज, सबसे मेजर फोकस इसमें किस चीज पे होने वाला है, इसमें होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पे। दूसरी चीज इसमें फोकस होने वाला है तुम्हारी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन। थर्ड चीज इज यार कि तुम सीएस फंडामेंटल्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तुम मॉक इंटरव्यूज कैसे दे सकते हो ताकि तुम कॉन्फिडेंट हो पाओ अपनी फर्स्ट इंटरव्यू देने से पहले। तो यार सबसे पहले तो एक डीएसए शीट है हमारे पास, तो ये डीएसए शीट कैसे बनाई गई है, डीएसए शीट इस तरीके से बनाई गई है। तुम बोलोगे कि यार मार्केट में तो और भी बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है तो हम ये वाली शीट क्यों करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार इसमें पिछले 25-30 दिनों की रिसर्च लगी है, मल्टीपल कॉलेजेस के ऑनलाइन असेसमेंट्स आई हैव चेक्ड, आई हैव रिव्यूड, मल्टीपल कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात करके रीसेंट ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड रीसेंट इंटरव्यूज में जो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये उन क्वेश्चंस की लिस्ट है। एंड तुम्हें पता हो कि मोस्ट कंपनीज के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं बहुत केसेस में, तो ये वो वाले क्वेश्चंस हैं यार, ये वो छंटे हुए क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारी कंपनीज इस टाइम पे पूछ रही हैं। दिस इज द कंपाइलेशन ऑफ मोर देन 80-100 कॉलेजेस के क्वेश्चंस की लिस्ट, ये बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस में जो जो ऑनलाइन असेसमेंट में कंपनीज पूछती हैं ऑन कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस, जितने भी चैलेंजेस हुए हैं पिछले साल, मतलब आई हैव बीन थ्रू ऑल ऑफ दीज, मतलब मुझे सब चैलेंजेस,
मतलब मैंने बहुत सारे चैलेंजेस कवर किए हैं, तो मुझे सब चैलेंजेस के बारे में पता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये शीट बनी है। दिस इज अ कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ 280, अराउंड 280 क्वेश्चंस। तो ये 280 क्वेश्चंस हमें करने हैं किसी भी हाल में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करने हैं। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी, इसका नाम है DSA शीट बाय अर्श। ये 45 डेज में तुम्हें कंप्लीट करनी है। इसमें तुम देख सकते हो कि इसमें तुम्हें क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले तो यार ये शीट कौन कर सकता है, ये शीट वो वाले लोग कर सकते हैं जिनके फंडामेंटल्स क्लियर हैं। फंडामेंटल से मेरा मतलब है कि यार बेसिक्स तुमने पढ़ लिया है, एरे क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, हीप्स क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, ग्राफ्स क्या होता है, तुमने दो दो सवाल, तीन तीन सवाल लगा लिए हैं, अगर तुमने ये चीज़ कर लिया है। अगर जिसने ये चीज़ भी नहीं किया तो वो साथ साथ मतलब उसको थोड़ी डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा टाइम लगा लेता है तो वो ये शीट करने के लिए एलिजिबल है। तो यार इसमें क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले तो इसमें टॉपिक वाइज एंड डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद दैट कि कौन कौन सी कंपनीज में वो चीज़ पूछी गई है। अब यार तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एरेज, सबसे पहला टॉपिक एरेज है। इसमें तुम क्वेश्चन देख सकते हो कि यार तीन लेवल की डिफिकल्टी में डिवाइड किए हुए हैं क्वेश्चन, ईजी, मीडियम एंड हार्ड। एंड इसमें तुम देख सकते हो कि लिंक्स हैं लीड कोड के एंड गीक्स फॉर गीक्स के, मतलब कुछ कुछ लिंक्स लीड कोड के हैं, कुछ कुछ लिंक्स गीक्स फॉर गीक्स के हैं। ये क्यों है ऐसे, क्योंकि लीड कोड में कुछ लोगों के पास प्रीमियम होता है, कुछ लोगों के पास प्रीमियम नहीं होता। बट जो क्वेश्चन मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आई हैव ट्राई टू गिव दैट क्वेश्चन फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स जो लीड कोड पे अवेलेबल नहीं था। बट आई विल ट्राई टू सर्च मोर, अगर मुझे वो क्वेश्चन लीड कोड पे मिलता है हम लीड कोड वाला लिंक भी दे देंगे साथ में। इसके बाद तुम देख सकते हो कि यार ये कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन सी कंपनीज में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये तुम देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, गोल्डमैन सैक्स, इंट्यूट, अमेज़न, इसके नीचे टिक लगी हुई है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी कंपनी में पूछा गया। इससे तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मल्टीपल कंपनीज पूछ रही हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन तो पक्का करना ही करना है। वैसे तो तुम्हें सारे क्वेश्चन ही करने हैं, राइट। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे टॉपिक वाइज है, एरेज है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स है, फिर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, लिंक लिस्ट है, स्टैक्स एंड क्यूज है, ट्रीज है, फिर ग्राफ्स है, ट्राइज है, हीप्स है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, मतलब जितने भी तुम टॉपिक सोच सकते हो ना, ये कंसोलिडेटेड लिस्ट है 280 क्वेश्चंस की। एंड तुम्हें ये 45 डेज में खत्म करनी है। 45 डेज में अगर तुम्हें खत्म करनी है तो दिन के तुम्हें कितने क्वेश्चंस करने हैं, 6 से 7 सवाल, सिर्फ 6 से 7 सवाल तुम्हें एक दिन में करने हैं। एंड दिस शीट विल बी डन इन 45 डेज। 45 डेज मतलब डेढ़ महीने में ये शीट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये 3 महीने का प्लान आना, डेढ़ महीने में ये शीट कंप्लीट होगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए अभी क्या होती है, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स। तुम्हें कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में अच्छे होना है। तो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स यार जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो ये वाले सारे टॉपिक्स को तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इनके लिए आई एम प्लानिंग अ डेडिकेटेड वीडियो। ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए वो वाली वीडियो हम एक सेपरेट वीडियो में रखेंगे। एंड उसमें मैं ऐसी लिस्ट देने वाला हूं यार ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स की, कि उसके अलावा कुछ और पूछा ही नहीं जा सकता उन टॉपिक्स में से। तो वो क्वेश्चंस भी ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस होंगे जो मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछे जा चुके हैं। तो वो वाली लिस्ट को अगर तुम कर लोगे तो यार तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा। एंड आई गारंटी कि वो चीज़ तुम 15 से 20 दिन में बड़े आराम से कर सकते हो। तो यार अब तुम देख सकते हो कि यार 3 मंथ्स प्लान में हम क्या कुछ करने वाले हैं। 45 डेज तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कर ली, क्या कर ली, DSA, तुमने इस शीट से सारा DSA के क्वेश्चंस कर लिए। क्लोज टू 280 सवाल हैं जो तुमने कर लिए। इसमें से बहुत सारे सवाल ईजी भी हैं क्योंकि यू आर अपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप। ईजी, मीडियम, हार्ड, मिक्स डिफिकल्टी लेवल रखा गया है। एंड तुम्हें सेपरेटली क्लियर किया गया कि यार ये ईजी सवाल है, ये मीडियम सवाल है, ये डिफिकल्ट सवाल है, ताकि तुम उस हिसाब से सोच पाओ। उसके बाद यार 15 डेज में तुम क्या कवर कर रहे होगे, तुम CS फंडामेंटल्स कवर कर रहे होगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी जिसमें तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कि CS फंडामेंटल्स में तुम्हें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा CS फंडामेंटल्स इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यार 1 मंथ प्लान आता है। 1 मंथ प्लान में तुम्हें क्या चीज़ करनी है, 1 मंथ में तुम्हें सबसे पहली चीज़ है यार एक प्रोजेक्ट बनाना है, 1 से 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट बना सकते हो, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, इस सब के बारे में भी तुम्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें भी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी जिसमें तुम्हारी वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ML के प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस कर रहेंगे जो तुम 15 से 20 दिन में बना सकते हो बहुत आराम से। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाना यार, इन दिनों में तुम्हें क्या करना है, साथ में ना जो तुमने DSA किया है पहले उसकी रिवीजन करनी है। रिवीजन से मेरा मतलब है कि दिन के 4 से 5 सवाल रेंडमली पिकअप करने हैं। मतलब इसके बाद ना आई वुड प्रोवाइड यू अ रिवीजन शीट जिसमें यार ये बाइफर्केशन नहीं होगी कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस होंगे। फिर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि यार ये वाला डेटा स्ट्रक्चर मुझे कौन से क्वेश्चन में लगाना है, इस क्वेश्चन में क्या लगेगा। तो वो रिवीजन वाली शीट तुम्हें करनी है साथ साथ अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग के। एंड जो इस मंथ के लास्ट 10 डेज होंगे ना, वो लास्ट 10 डेज में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मॉक इंटरव्यूज देनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा तुम मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो ना, तो वो इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट।
तो वो मॉक इंटरव्यूज कौन ले रहा होगा, कैसे ले रहा होगा, वो तुम अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हो, मतलब यू कैन फाइंड आउट सम ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड इसमें मतलब ये चैलेंज जो कंप्लीट कर रहा होगा उसमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा यार ये चीज़ें तो तुम कर ही रहे होगे, एंड साइड बाय साइड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है। अब मैं अगर कॉन्टेस्ट की बात करूँ तो कौन से कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है, अगर पर्टिकुलरली हम प्लेसमेंट इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं ना, तो यार तुम्हें जितने भी इसके बाद लीड कोड पे वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट आ रहे होंगे ना, वो सारे कॉन्टेस्ट देने हैं। ये संडे को कॉन्टेस्ट होता है, सैटरडे एंड संडे को कॉन्टेस्ट होते हैं, इनकी टाइमिंग्स वगैरह तुम देख लेना, इसके भी मैं लिंक्स दे दूंगा तुम कैसे इनमें पार्ट ले सकते हो। तो ये वाले सारे कॉन्टेस्ट में तुम्हें पार्ट लेना ही लेना है, मतलब कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना है ये वाला कॉन्टेस्ट, क्योंकि इसमें से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑनलाइन असेसमेंट को हैंडल करने की। तो यार ये होने वाला है हमारा 45 डेज प्लान, ये 15 डेज प्लान, ये 1 मंथ प्लान, एंड अगर तुमने ये अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि भैया तुम्हारी इंटर्नशिप लगने वाली है, चाहे वो 1 महीने के अंदर लगे, चाहे वो 2 महीने के अंदर लगे, चाहे वो 15 दिन के अंदर ही लग जाए। तो अब बात करते हैं कि इससे तुम्हारा बेनिफिट क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यार, एक तो तुम इंटरव्यू रेडी हो जाओगे, तुमने बहुत सारे DSA के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी, अभी तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी वंस योर इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट्स। यार दूसरी चीज़, जो लोग भी ये चीज़ कर रहे होंगे, जो लोग भी सिंसियरली इसमें पार्ट ले रहे होंगे, उनके लिए यार रेफरल अपॉर्चुनिटीज़ आई विल प्रोवाइड फ्रॉम माय एंड, मतलब किसी कंपनी में अगर ओपनिंग आती है तो उसमें आई वुड हेल्प यू विद द रेफरल। लास्ट टाइम हमने 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज ऑर्गेनाइज किया था, उसमें से भी मतलब सेकेंड ईयर को तो तब अवेलेबल नहीं थी इंटर्नशिप, क्योंकि कंपनीज इतनी ओपन नहीं करती हैं, तब सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इतनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी, बट थर्ड ईयर के लिए देयर आर गुड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो उसमें रेफरल वगैरह का जुगाड़ हो सकता है। थर्ड थिंग इज कि अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो तुम्हें एक मॉक इंटरव्यू का चांस मिलेगा मेरे साथ, सिलेक्टेड फ्यू विल बी गेटिंग अ चांस टू गिव योर मॉक इंटरव्यूज। अगर तुमने ये 3 महीने तक प्रैक्टिस कर ली, जो तुम्हारे लास्ट के 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में तुम मेरे साथ भी एक मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री। उसके बाद यार कुछ टेस्ट सीरीज आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू, मतलब कुछ कंपनी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज, मतलब 3 घंटे बैठ के तुम 10 टेस्ट दे रहे हो, 10 टेस्ट तुमने 3-3 घंटे के दे दिए, जैसे अमेजोन के 10 टेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट के 10 टेस्ट, तो आई वुड हेल्प यू प्रोवाइड विद दोज टेस्ट सीरीज ऑल्सो, कि तुम ये सारी प्रिपरेशन के बाद ऑनलाइन असेसमेंट के लिए पर्टिकुलरली प्रिपेयर करने के लिए वो टेस्ट सीरीज दे दो, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उतने ही हमारे चांस होते हैं कि यार हम इस बार भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि क्या ये चैलेंज है, कैसे तुम स्टार्ट कर सकते हो, एंड आई होप यू आर मोटिवेटेड इनफ टू पार्टिसिपेट इन दिस चैलेंज। इस चैलेंज में पार्ट लेने के लिए तुम्हें क्या करना है, यार अगर तुम किसी चीज़ का ढिंडोरा पीट देते हो ना, तो दुनिया तुम्हें चैन से जीने नहीं देती। तो यही आइडियोलॉजी को फॉलो किया था हमने 6 कंपनी 30 डेज चैलेंज में, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू अनाउंस कि यार बहुत सारे लोग उनमें से बहुत अमेजिंग कंपनीज क्रैक कर चुके हैं, अमेजोन जैसी कंपनी क्रैक कर चुके हैं, वॉलमार्ट जैसी कंपनी क्रैक कर चुके हैं, एडोबी जैसी कंपनी क्रैक कर चुके हैं। तो तुम भी अगर ये कंसिस्टेंसी से कर रहे हो तो अगले आने वाले मंथ्स में आई वुड बी हैप्पी टू गिव योर एग्जांपल कि भैया ये बंदा था, इसने स्टार्ट किया था चैलेंज और ये आज माइक्रोसॉफ्ट में बैठा है, ये बंदा था, इसने स्टार्ट किया था चैलेंज और ये आज अमेजोन में बैठा है। तो इस चैलेंज में पार्ट लेने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तुम्हें गिटहब रिपोजिटरी बनानी है। यार गिटहब रिपोजिटरी में तुम्हें ये सारे क्वेश्चन, मतलब जो तुम डेली कर रहे हो ना, वो सारे के कोड्स तुम्हें लिखने हैं। एक तो तुम्हारी वो नोटबुक बन जाएगी, अगर तुम्हें रिवाइज करने हैं वो क्वेश्चंस, तो तुम रिवाइज कर पाओगे। सेकेंडली वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा कि आई वुड बी एबल टू ट्रैक यार कितने लोग कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सेकेंड चीज इज तुम्हें अपने किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना है, लिंक्डइन या फिर ट्विटर में से, लिंक्डइन या फिर ट्विटर पे जाके तुम्हें ये अनाउंस करना है कि यार तुम ये चैलेंज कर रहे हो, हैशटैग क्रैक योर इंटर्नशिप, एंड मैंने तुम्हें बता दिया कि अनाउंस करने का रीजन क्या है, बिकॉज यू विल बी आंसरेबल टू पीपल, तुम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज़ को फिर, एंड तुम्हें वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। कर रहे होंगे लिंक्डइन पे जाके तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पोस्ट करना है कि हाय एवरीवन, दिस इज सो एंड सो, मैं आज से ये चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, या 5 दिन बाद से ये चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है क्रैक योर इंटर्नशिप चैलेंज बाय अर्श गोयल। साथ में तुम वीडियो का लिंक दे सकते हो, साथ में तुम कोई भी स्क्रीनशॉट लेके इसका डाल सकते हो, एंड आई वुड बी एबल टू ट्रैक यू फ्रॉम दोज लिंक्स। यार इस लोग बहुत पूछते हैं कि भैया मुझे इतने घंटे पढ़ना चाहिए या इतने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मेरी एडवाइस इसमें ये होगी कि भैया जितने घंटे तुम दे सकते हो ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कोई 2 घंटे दे सकता है, कोई 7 घंटे दे सकता है, कोई 5 घंटे दे सकता है, कोई 10 घंटे दे सकता है, तो जितने घंटे तुम आगे 2 महीनों 3 महीनों के लिए दे सकते हो ना, तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी उस 3 महीने के बाद, अगर तुम ये परसिस्टेंस वाला फॉर्मूला अपना लेते हो। परसिस्टेंस और पैशन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक तो तुम किसी चीज़ को करने के लिए बहुत पैशनेट हो, बट इस टाइम पे पैशन के साथ साथ परसिस्टेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने आज 10 सवाल लगा लिए, कल को तुम बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो,
तो तुम्हें रोज मतलब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है 3 महीने तक। मतलब ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी योर डेली रूटीन कि यार अगर मैंने ये काम नहीं किया ना तो मेरे दिन में कुछ कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। तो तुम्हें अगले 3 महीने तक इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है कि यार तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। चाहे तुम 10 दिन लेट शुरू कर लो, 15 दिन लेट शुरू कर लो, मतलब इट इज़ अप टू यू तुम कब स्टार्ट कर रहे हो। बट जब तुम स्टार्ट कर रहे हो उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। एंड आई गारंटी यू कि अगर तुमने ये 3 महीने तक कर लिया ना, उसके बाद मतलब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ना तुम्हारी क्लास में, ना तुम्हारे सेक्शन में, ना तुम्हारी ब्रांच में, ना तुम्हारे पूरे कॉलेज में। मतलब अगर तुम ये चीज़ कर लेते हो ना तो डेफिनेटली जो तुमने सोचा है वो तुम्हें अचीव हो ही जाएगा, चाहे आज हो, चाहे 5 दिन बाद हो, चाहे 1 महीना बाद हो, चाहे 10 महीने। एंड मैं कह रहा हूँ कि ये बेस्ट टाइम है, इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं है स्टार्ट करने का। अगर तुमने अभी ये चीज़ समझ ली ना तो चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं तुम्हारे लिए आगे चल के। योर थर्ड ईयर विल बी कम्प्लीटली फ्री, तुम्हारा फाइनल ईयर विल बी कम्प्लीटली। क्या होता है यार, एक बार थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में तुम्हारी इंटर्नशिप लग गई किसी अच्छी कंपनी में, उसके बाद तुम थर्ड ईयर पूरा एक्सप्लोर करते हो विदाउट एनी प्रेशर। दिमाग पे प्रेशर नहीं है, तुम खुद से एक्सप्लोर कर रहे हो, तुम बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे, तुम डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें कर लोगे, तुम बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हो, तुम कंपनीज में जाके टीचिंग असिस्टेंट की जॉब कर सकते हो, तुम एजुकेटर बन सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो थर्ड ईयर तुम पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो। उसके बाद यार थर्ड ईयर के बाद तुम इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप करने के बाद फिर से मतलब मैक्सिमम चांस होते हैं, अगर तुम बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तो देयर आर अराउंड 80-90% चांसेस कि तुम्हें पीपीओ मिल जाएगा। यार वो कंपनी क्यों ऐसा चाहेगी कि उसके साथ जिसने काम किया है 2-3 महीने काम किया है, हम उस बंदे को हायर करने की बजाय हम किसी कॉलेज में जाके इंटरव्यू के बेसिस पे किसी बच्चे को सिलेक्ट करें। तो उसकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना कि यार जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्री प्लेसमेंट ऑफर्स हम कन्वर्ट कर पाएं उनको हम कन्वर्ट कर दें। इंटर्नशिप में क्या है, इंटर्नशिप में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी भी तुम देख रहे होगे तुम्हारा बैच है, अगर 90 या 100 बच्चों का बैच है तो उसमें से 10-15 बच्चे ही होंगे जो बहुत ऐसे प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे साइट्स पे। बहुत सारे बच्चे तो अभी अवेयर भी नहीं है, बट जब प्लेसमेंट सीजन आएगा उस टाइम पे यू विल सी कि बहुत सारे लोगों को पड़ी होगी, भैया अब तो प्लेसमेंट चाहिए ही, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उस टाइम पे कंपटीशन भी ज़्यादा है, उस टाइम पे प्रेशर भी ज़्यादा है, उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में भी होगा कि भैया अब तो प्लेसमेंट लेनी ही लेनी है, चाहे जिस मर्जी कंपनी में हो जाए, तुम्हारी चॉइस का भी सीन नहीं रहेगा उस केस में। तो बेस्ट थिंग इज कि अगर तुम ये वाले 2-3 महीने लगा लेते हो बहुत अच्छे से तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड वेरी 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 सून। इतना ही था इस वीडियो में, आई होप तुम इस चैलेंज में पार्ट ले रहे होगे, तुम इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होगे ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो कम से कम अवेयर हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वो अब लास्ट वाले टाइम में थोड़ा और एक्स्ट्रा पुश करके, थोड़ा और मेहनत करके अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं एंड फिर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सॉर्टेड। यार इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी एक ऐसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।